हे गाइस, आप देख रहे हैं क्रिप्ट टॉक। तो दोस्तों, अभी 10 दिन पहले की बात है, मैंने हसमुख ट्रेलर का रिव्यू किया था। उसमें काफ़ी कुछ मैंने बता दिया था आप लोगों से कि ये सीरीज आएगी तो मैं देखूंगा और देख के आपको रिव्यू दूंगा कैसी है, ताकि आप लोग इस सीरीज को देखें या ना देखें। अभी 17 अप्रैल को ये सीरीज रिलीज हो गई नेटफ्लिक्स पे। थोड़ा देखने में लेट किया क्योंकि बहुत सारी सीरीज पहले से थी पेंडिंग में, मैंने उसको देखा फिर इसे देखा। दोस्तों, इसको डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी और वीर दास ने, और वीर दास ही इसमें एक्टर बने हैं। हम सभी को पता है कि वीर दास एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, सो ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है हम लोगों के लिए। और इनके साइड किक बने हैं रणवीर सोरे, वो भी ठीक ठाक एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी लीड में आज तक ये दोनों नहीं आए। ना वीर दास कभी लीड एक्टिंग की है, ना रणवीर सोरे लीड एक्टिंग की है, दोनों साइड एक्टिंग में ही आते हैं हमेशा, लेकिन इसमें ये लोग लीड एक्टिंग में बने हुए हैं। इसमें रवि किशन और राजा मुराद जैसे एक्टर्स भी होते हैं जो कि बाद में आते हैं। ये सीजन पूरे 10 एपिसोड्स की है, जो कि पर एपिसोड्स आधे घंटे की है, तो आपको अपने 5 घंटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर इस सीरीज को देखना है। तो सीरीज को देखा जाए तो जबरदस्ती लंबा किया गया है, खींचा गया है, सो इसे काटा जा सकता था, ये 6 या 7 एपिसोड्स में कंप्लीट हो सकती थी। सो अगर आप डीसी कॉमिक्स के फैन हैं और जोकर के बारे में जानते हैं, तो उसकी बहुत सारी मूवी है, उसकी एक सोलो मूवी भी आई थी अभी पिछले साल जोकर, अगर वो आप देखे हुए हैं तो बस उसका बहुत कुछ इसमें चोरी किया गया, उसका ही कॉन्सेप्ट छोटा सा उठा के डाल दिया गया और देसी तड़का मार दिया गया है। उसमें भी वो स्टैंडअप कॉमेडी करता था, इसमें भी ये वीर दास स्टैंडअप कॉमेडी करता है। अब हम जोकर की बात ना करके इस सीरीज की बात कर लें, तो शुरू करते हैं इस सीरीज की स्टोरी। तो कहानी एक सहारनपुर के ऑर्डिनरी लड़के की है, बहुत ही साधारण लड़का होता है, अपने चाचा के साथ रह रहा होता है। उसका चाचा उसको हमेशा जलील करता है, मजाक उड़ाता है, मजाक बनाता है दूसरों के सामने, तो ये हमेशा डिसअपॉइंटेड रहता है। इसे एक्चुअली कॉमेडियन बनना होता है, बट इसको कॉमेडी आता नहीं है, तो ये कॉमेडियन बनने के पीछे पड़ जाता है। ये अपना एक मेंटर बनाता है, उसका कॉमेडी करना सीखता है। लास्टली उसका मेंटर बोलता है कि मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा, मैं तुम्हें अपने स्टेज पे कॉमेडी करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, सपने दिखाता है। कॉमेडी लगता है सीखने, इसमें थोड़ा बहुत कॉमेडी करने लगता है, और उसके बाद उसका मैनेजर उसको इन मौके पर मना कर देता है कि तुझे कॉमेडी वगैरह नहीं आता, तू कॉमेडियन नहीं बन सकता। सो ये गुस्सा हो जाता है, अपने लाइफ का फर्स्ट मर्डर कर देता है अपने मैनेजर को मार के। तब इसको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलता है, अंदर से पूरा किक मिलता है। ये जब ये बोलता भी है कि जब भी मैं किसी का मर्डर करता हूँ तो मुझे किक मिलता है और मैं और अच्छे से परफॉर्म करता हूँ, और उसके बाद जाता है स्टेज पर पूरा फाड़ के रख देता है, मतलब बहुत अच्छा कॉमेडी कर देता है वहाँ पर जाके। सो अगर देखा जाए तो सीरीज की सबसे बड़ी चटाई यहीं पे हुई है, ये 5 मिनट पहले मटर करके आते हैं और जाके कॉमेडी करते हैं। यही सब इस सीरीज के ड्रॉबैक्स है, जो कि बिल्कुल हजम नहीं होता हम लोगों के अंदर। इनको कॉमेडी करने के पहले एक आदमी को मारना होगा, तभी ये अच्छे से कॉमेडी कर पाएंगे। ये रियलिटी पे फोकस नहीं करता है सीरीज, कहानी और आगे बढ़ता है। ये बाद में एक जीवी नाम के आदमी से मिलता है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं रणवीर सोरे, वही इसका साइड किक बनता है, और स्मूक मर्डर करता है और उसका साइड किक सफाई करता है। सो इन लोगों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन जाता है। बाद में मुंबई से एक लड़की आती है, हसमुख को ऑफर देती है कि मुंबई में आओ, हमारा स्टैंड अप कॉमेडी करो। इन लोगों का मीटिंग बैठता है, एक बहुत अच्छा ब्रेक मिलता है इसको, लोगों का डील 15 लाख पर एपिसोड पे फिक्स भी हो जाता है। फिर उसके बाद वो ये लोग मुंबई चले जाते हैं, वहाँ पे रवि किशन मिलता है इसको, और ये लोग वहाँ पे जाके कॉमेडी करते हैं, साइड किक के लिए मर्डर करते रहते हैं। जब जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे मुंबई के डॉन सबसे इनका सामना होने लगता है। ये लोग समझ जाते हैं कि अब यहाँ पे हमें साइड किक के लिए कमी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बुरे लोग हैं और हम लोग अपना साइड किक हम इन बुरे लोगों को मार के बनाएंगे। सो यहाँ पे एक से एक बुरे लोग मिलते हैं और ये लोग सबका सफाई करते जाते हैं। पुलिस लोगों की आंखों में भी ये लोग धूल झोंकते रहते हैं, बराबर स्टैंड अप करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम कॉमेडियन हैं, बट ये लोग स्टैंड अप कॉमेडी से कब डार्क कॉमेडी में ये बदल जाती है, ये आप समझ जाएंगे इस सीरीज को देखते हुए। स्टार्टिंग की सीरीज जितनी अच्छी होती है, लास्ट की बेकार होती जाती है। दोस्तों, बस यही था इसकी कहानी। और हसमुख सीरीज जो है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह हॉलीवुड की मूवी जोकर से ली गई है, वहीं से इसका कॉन्सेप्ट चोरी किया गया है, अपना देसी तड़का मिला दिया गया और हम लोगों के सामने परोस दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि नेटफ्लिक्स हुई या अमेजन प्राइम हुई, ये दोनों अपना डे बाय डे हिंदी टीवी वेब सीरीज का रैंकिंग घटाते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही करेंगे तो ये हिंदी टीवी वेब सीरीज हमारे इंडिया में बढ़ नहीं पाएगी, अगर ऐसे ही हमारे सामने परोसते रहें। वही हम लोग इंग्लिश टीवी वेब सीरीज की बात करें तो क्या कहानी होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या स्क्रीन प्ले होता है, डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग, हर चीज़ परफेक्ट होता है। और यही इसमें देख लीजिए, हमारे पास गिना चुना हिंदी टीवी वेब सीरीज ही सही है अगर देखा जाए तो। ये नेटफ्लिक्स इंडिया और प्राइम वीडियो ये सिर्फ नाम पे कुछ भी परोस देती है, कोई भी डायरेक्टर या राइटर अपना कहानी लेके इन लोगों के पास चला जाता है और ये लोग अपने चैनल पे टेलीकास्ट कर देते हैं और हम लोगों के सामने परोस देते हैं। एक तो ये सीरीज खुद 10 एपिसोड्स कर दिया गया था जबरदस्ती, जैसे कि घटा के 7-8 में भी निपटा सकते थे, तो और इसके डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स सीजन में भी इसका फाइनल टचिंग नहीं दे पाए और इसको बढ़ा के सीजन 2 तक कर दिए, ताकि हम लोग अब सीजन 2 का वेट करें। तो दोस्तों, बस यही था वीडियो, अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।